वही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने एक प्रेस वार्ता की, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर अपनी बात रखी। इसमें प्रमुख रूप से नियमितीकरण की मांग रखी गई। वहीं समस्त निष्कासित कर्मचारियों की बहाली को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही। इस दौरान जिला अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी सहित स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। सभी संविदा कर्मचारी विगत 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं जी, परंतु शासन प्रशासन द्वारा इनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लगातार इनका शोषण किया जा रहा है जी। सरकार ने 5 जून 2018 की नीति भी बनाई थी, पर वो अभी तक लागू नहीं की गई है जी। इसीलिए हम सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि शासन हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी NHM में है विगत 10-15 वर्षों से जी। उनको संविदा की नीति बनाई गई थी 2018 में जी, जो कि आज तक लागू नहीं हुई है जी। इसलिए हमारे शासन से मांग है कि उसको लागू किया जाए और नियमितीकरण किया जाए, और जो हमारे कर्मचारी NHM से बाहर हो गए हैं उनको पुनः NHM में वापस दिया जाए।